हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों लाइफ बिना हमारी कभी कभी बहुत ही अजीबोगरीब इम्तिहान लेती है। अब देखिए ना, जब हम सभी सवालों के आंसर्स ढूंढ लेते हैं तो क्वेश्चन पेपर ही बदल देती है और बंदा हो जाता है फिर से वही गोल गोल अंडा। अब कहानी ही सही, देखिए ना, नैतिक की जिंदगी के सर पर भी पड़ा है ऐसा ही एक डंडा क्योंकि भाई नैतिक पहले तो बच्चे की जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहता था, लेकिन जब वो माना और उसकी फैमिली भी किसी तरह मान गई और सब कुछ हैप्पी 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 हो गया, तो अब बच्चे ने ही आने से कर दिया है इनकार। भाई ऐसा नहीं है कि उसे आने के लिए नहीं मिली है कोई कार, भाई बेचारा खुद ही फंस गया आध विचकार। भाई अक्षरा की प्रेगनेंसी में आ गए हैं कुछ कॉम्प्लिकेशंस, इसलिए नैतिक उसे लेके डॉक्टर के पास जाता है। अब डॉक्टर वहाँ पर सड़ा सा मुंह बनाता है और कह देता है कि ये बच्चा नहीं हो सकता, भाई जैसे कि बच्चा उसका कॉपीराइट है। एनीवेज भाई, अब बेचारी अक्षरा इतनी मुश्किल से, अभी उसने सिंघानियास फैमिली से अपनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को किया था रिजॉल्व, अब वो फिर से हो जाएंगी डिजॉल्व। खैर अक्षरा और नैतिक की जिंदगी में आने वाले इस तूफान की शूटिंग अभी बाकी है मेरे दोस्त। प्रेगनेंसी का ये दौर पहले सुहाना, फिर अक्षरा और अर्चना पर आया था, वही आई थिंक शायद अब अक्षरा और सुहाना ने इससे छुटकारा है पाया, मगर अर्चना को थोड़ा सा है अभी लटकाया। खैर माई डियर फ्रेंड्स, इट्स ऑल स्टोरीज और स्टोरीज में चलता रहता है कभी हंसना तो कभी रुलाना, मगर आप मुझे छोड़कर कहीं ना जाना, बिकॉज इट्स रूबी अनसेंसर्ड।